अब समझ आया क्या सीन है। ये देखो कितनी छोटी दिख रही है वो। इवान इधर है, अब ये इवान है, इवान देखो बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, और जो गिन्नी है वो बिल्कुल छोटी सी हो गई भाई। ये आ रहा मेन डिफरेंस यहाँ पे इस डिलीशन रूम के अंदर। Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, नया दिन नई शुरुआत, एंड आज हम जा रहे हैं मास्टर इवान को क्या करना है। He also has a dinosaur. He also roars. Right? कैसे रोर करते हैं इवान? Yeah. आप लोगों को पता है कि दिल्ली में हो गई है बहुत ही ज्यादा गर्मी, और गर्मी के अंदर भाई सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। तो जैसे आप फेस को कवर करते हैं सनस्क्रीन लगा के, ऐसे ही अपनी बॉडी को भी सनस्क्रीन से कवर करना, बॉडी लोशन से कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी में मॉइस्चराइज अपनी स्किन को रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इनके तीन तरीके के सनस्क्रीन बॉडी लोशंस आते हैं। सो सबसे पहला आपका आता है विटामिन सी सनस्क्रीन बॉडी लोशन, जो कि कुछ हद तक ऐसा सा दिखता है। सेकेंड ऑप्शन जो आपको मिलता है दैट इज़ द एलोवेरा, एलोवेरा सनस्क्रीन बॉडी लोशन है। एंड जो मेरी वाइफ और मैं यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ द उपटन वन। सो उपटन सनस्क्रीन लोशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि यार बॉडी को भी सेव रखना फ्रॉम द सन, फ्रॉम द यूवी रेज, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इसमें आपको SPF 30 मिल जाता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये टॉक्सिन से फ्री है और ये सारे स्किन टाइप को सूटेबल रहता है। सो बेसिकली इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको सैफ्रन मिल जाता है, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। टर्मरिक मिल जाता है, जो कि स्किन को ब्राइटन रखने में हेल्प करता है। कैरेट सीड ऑयल आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। एंड आपको इसके अंदर शिया बटर मिल जाता है, जो कि फैटी एसिड्स एंड विटामिन से भरपूर है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में एंड स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। गाइस, अगर आप भी मेरी तरह मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका बाइंग लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बाकी आप इसको अमेजोन, नाइका एंड मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि आपका iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाता है, वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 20% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाता है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड उनके ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। सो चलते हैं यार डीनो पार्क पे एंड देखते हैं वहाँ पे हमें कौन कौन से डायनासोर देखने को मिलते हैं और कितना अच्छी तरीके से भाई उस मॉल के अंदर उसको बना रखा है। ओके, सो वी आर एट द डीनो पार्क, राइट? एंड क्या क्या देख रहे हैं इवान यहाँ से? अच्छी रैक्स। तो बहुत सारे डायनासोर हैं यहाँ पे, एंड कौन कौन से हैं बता दे एक बारी। ओके, इधर देख के बताना। आई डोंट नो द लॉन्ग वन। सो हम एक एक करके दिखाते हैं भाई। सो जैसे मैंने बोला, पूरा का पूरा यहाँ पे जितना भी सारा सेटअप है अभी कुछ ऐसा सा है, कुछ एक 3D इल्यूजन टाइप है। एंड ये वाले भाई साहब जो है ना, ये हिलते हैं। कैसे हिलता है इवान, पता आपको? इट्स हिलिंग लाइक दैट। अब ये कुछ 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 पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आई सपोज ये हिलता है। सो जैसे ये हिलेगा तो एक बार ही दिखाऊंगा। ओके, सो वी हैव अ बस एज वेल। सो इवान वांट्स टू राइड ऑन द बस? नो। Why? I like the bus ride. Okay, so next we have this. And भाई ये देखो कितना मतलब पूरा मूवमेंट देते हुए और वो सब करते हुए क्या चीज़ बनाई है यार इन्होंने, बहुत सही लग रहा है। Ivan, see, they have egg as well. Oh, it's saying hi to you. Ivan, it's saying hi to you. तो डायनासोर के अंडे में से कौन निकला? इवान निकला है ना। यू ब्रोक द एग इवान, सी यू आर हैचिंग, यू आर हैचिंग इवान। ओके भाई, पूरा एकदम लुक देखो कैसी से दे रखी है, बहुत सेक्सी सा बना है यार। इवान इसका क्या नाम है? दिस इज द बिग वन, सी ही इज मूविंग। अगर ध्यान से देखोगे तो ये नहीं हिल रहा है, वो देखो प्रॉपरली उसका मुंह भी हिल रहा है। सो सी हाउ बिग इट इज यार, इवन द टेल इज मूविंग, प्रॉपर मूवमेंट्स दिए सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे इसकी टेल प्रॉपर मूव करती हुई दिखेगी। एंड सी द बिग वन, या दैट्स अ राइनोसोरस। इवान रुक जा, आओ पता बता दो।
How is he making sounds, Ivan? Tell me. Okay. What? Yeah. The dinosaur's blood coming out. तो इवन अगर आप ध्यान से इसकी एक एक चीज़ पे मूवमेंट पे दोगे तो इवन इसकी आईज जो हैं वो भी सारी की सारी हिल रही हैं एंड ये मुंह वगैरह भी खुलता है. तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ को डिफाइन करा गया, एक एक चीज़ को जस्टिफाई करा गया एंड इवान इज़ रियली इंजॉयड. इसमें यूजुअली क्या होता है, जब सैटरडे संडे होता है ना तो इनका ये वाला जो है इसको केज से निकाल के लाइक टॉफ़ी और वो सब इसके गले में बांध के कुछ बच्चों के आगे वो करा जाता, घुमाया जाता है एंड ही एक्चुअली मूव्स. तो भाई ये जब भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही उस तरीके से चलता. या यू वांट टू सिट ऑन द बस, उसको बंद कर रखा इवान है ना. ओह नहीं 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 नो इवान, उसको मारने में लगा हुआ भाई, ब्रेक हो जाएगा है ना. आई विल गो इवान, आई विल गो. इट्स सो कूल, इट्स सो कूल, इट्स सो कूल. ऐसे प्लेट पे करके टूटी ना जाए. ओके सो नेक्स्ट वी हैव दिस. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ ऐसे तरीके के पोल्स बने हुए हैं एंड इवान इज स्टैंडिंग देयर. बट जब हम इसको शूट करेंगे ऐसा तो ऐसा सा फील आ रहा है दैट इवान इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द चेयर, राइट. सो ऐसी सी फील आ रही है यहाँ पे. इवान जंप. कुछ ऐसा सा है सीन कि अगर आप ऐसे देखोगे दो जने अगर इधर खड़े होते, गिन्नी एक बारी तुम उधर जाओ, उस तरफ जाओ, चेक करें क्या सीन होता है. अब समझ आया क्या सीन है. ये देखो कितनी छोटी दिख रही है वो. इवान इधर है. अब ये इवान है, इवान देखो बड़ा दिख रहा है यहाँ पे और जो गिन्नी है वो बिल्कुल छोटी सी हो गई भाई. ये आ रहा मेन डिफरेंस यहाँ पे इस डिलीजन रूम के अंदर. ओके सो मम्मा एंड इवान आर गोइंग फॉर अ ट्रेन राइड, राइट. वो अकेला तो जाता नहीं है, मम्मा को बीच में फंसा देता है हर बारी. ट्रेन राइड हो गई है, बहुत मजा आ गया ना, बहुत मजा आया ना. ओके गाइस सो फाइनली वी आर बैक एट होम. और इवान कौन कौन से डायनासोर्स देखे वहाँ पे? टी-रेक्स. हाँ. दैट फ्लाइंग डायनासोर. दैट फ्लाइंग डायनासोर. देयर इज अ लॉन्ग वन. एंड द लॉन्ग वन नाम नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. एंड देयर इज अ राइनोसोरस. या राइनोसोरस, टी-रेक्स और एक फ्लाइंग डायनासोर था ऐसे ऐसे वाला और एक क्या था और एक लॉन्ग वाला था. लॉन्ग बहुत लॉन्ग था. या एंड वो आवाज भी कर रहे थे, राइट. एक मामाअर्थ के इनिशिएटिव के बारे में आप लोगों को बताना भूल गया. सो मामाअर्थ का एक इनिशिएटिव है दैट जब भी आप मामाअर्थ से कुछ भी परचेज करते हैं सो दे प्लांट अ ट्री. एक ऑर्डर मींस एक प्लांट. एंड गाइस 2025 तक उनका 1 मिलियन प्लांट्स को प्लांट करने का इनिशिएटिव है. सो अगर आप एक ऑर्डर करेंगे दैट मींस आप एक ट्री जो है उसको प्लांट कर रहे हैं. बाकी मामाअर्थ इज ऑल्सो प्लास्टिक पॉजिटिव. एवरी मंथ वो ऑलमोस्ट 1 मेट्रिक टन जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करते हैं. सो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ आई. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. और इवान इज टोटली एंजॉयिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट. इवान इज सीइंग द बॉल गेट बिगर एंड देन स्मॉलर एंड देन बिगर एंड देन स्मॉलर. सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय.